हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्पर्श, और आज आपका एक बार फिर से पेबल्स फूड कार्ट में स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक पिज्ज़ा शॉप में, जिसका नाम ही बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और फैंटेस्टिक है, और एक डिफरेंट भी नाम है, पिज्ज़ा विज्ज़ा। बहुत ही डिफरेंट नाम है पिज्ज़ा विज्ज़ा, यहाँ पर आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा। और ये लोकेटेड है कनकिया मीरा रोड बिवल्ली पार्क में। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं इसमें ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ है जो कि इस जगह को फेमस बनाती है। चलिए चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम में ही बहुत डिफरेंट चीज़ है, और मैं सोचता था ये क्या है, तो मैं आज अभी अंदर आकर देखता हूँ तो इतनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर वॉल, जिस पर फूड के ग्राफिक्स टाइप, उसके फूड के प्रिंट से पूरी वॉल को सजाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर कई सारी फूड की डिशेस की उसको डिज़ाइन किया गया है। इधर देखेंगे तो आपको इधर दिखेगा सैंडविचेस, गार्लिक ब्रेड एंड पिज्जास एंड ऑल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम ही डिफरेंट है, लेकिन नहीं, इसका नाम ही नहीं बल्कि इसका इंटीरियर भी काफ़ी डिफरेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे जस्ट पीछे एक वॉल है जिसको फूड की डिशेस से डेकोरेट किया गया है। देख सकते हैं आप सैंडविचेस, गार्लिक ब्रेड एंड पिज्ज़ा से। और जैसा कि आप ये वाली वॉल पर देखेंगे तो इस पर भी गार्लिक ब्रेड, सैंडविचेस एंड और पिज्ज़ा से भी डेकोरेट करा गया है। दोस्तों, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इनकी वॉल्स पर जो बहुत ही टेस्टी डिशेस की ग्राफिक्स बने हुए हैं, मुझे तो उनको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर भी लिखा हुआ है चीज़ प्लीज़ पिज्ज़ा विज्ज़ा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी खाऊं। तो चलिए, जो काउंटर पर बैठे हैं उनसे बात करके देखते हैं कि इसके पीछे किसका दिमाग है, इनकी इसकी क्रिएशंस के पीछे। तो चलिए आइए। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन सुवर्णा है। नवीन सर, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शॉप की जो वॉल्स पर जो ग्राफिक्स बनाए फूड के, इसके पीछे किसका यम्मी दिमाग है? ये एक्चुअली मैंने ही बनवाया है, दिमाग मेरा ही है। ये सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है, हाँ, ये मैंने ही करवाया है। तो मैंने ये, मतलब आप इसके ओनर हैं? हाँ, मैं इसका ओनर कुछ अभी तक रेडी चीज़। ओह, तो मतलब ओनर प्लस कुक, बहुत ही अच्छी बात है कि ये अब ये ओनर भी है प्लस कुक भी है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि एक ओनर के साथ वो कुक भी है। तो सोचिए, अगर ये कुक भी है तो अपने कस्टमर्स का ये कितनी अच्छी तरीके से उनके हाइजीन के बारे में उनका ख्याल रखते होंगे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस प्रोफेशन में कितने टाइम से हैं? मुझे ये प्रोफेशन में हो गए 16 ईयर्स। 16 ईयर्स? तो आप इससे पहले मतलब कहीं और भी काम करते थे या फिर आपने डायरेक्ट खोला? नहीं नहीं नहीं, तो इसके पहले मैं डोमिनोज पिज्जा इंडिया लिमिटेड में काम करता था, और वहाँ पर मैंने 12.5 साल काम किया। 12.5 ईयर्स? दोस्तों, इट इज़ सच अ लॉन्ग टाइम, 12.5 ईयर्स। तो सोचिए, इतने 12.5 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, जो कि इन्होंने अपने टेस्टी डिलीशियस पिज्ज़ास में निचोड़ कर डाला है। जैसे कि इनके शॉप के नाम पर ही दिखा है पिज्ज़ा विज्ज़ा। दोस्तों, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो आज इनके आकर सबसे टेस्टी और डिलीशियस चीज़ टेस्ट करने वाला हूँ। तो सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इधर आपकी शॉप की वॉल में कितने सारे ब्रांड्स के पिज्ज़ास और बाकी सारे फूड्स की ब्रांड्स के स्लोगन्स बने हैं, तो इसके पीछे ये क्या केवल डिज़ाइन के बारे में है या फिर इसके पीछे कोई राज है? एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो, बर्गर किंग का, मैकडॉनल्ड्स का है, इन एंड आउट चेकर्स के, ये मैंने डिज़ाइन खाली शो के लिए नहीं रखा है। इसके पीछे राज ये है कि उसके पीछे एक कहानी है कि ये लोग कैसे बॉर्न हुए, मतलब ये लोग भी ज़ीरो थे, आज हीरो है लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इनकी ओनर ने खुद ने बताया कि ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के स्लोगन्स हैं, ये ना केवल डिज़ाइन के लिए बल्कि इनके पीछे एक स्टोरी है कि पहले ये ज़ीरो थे, उसके बाद कैसे ये इन्होंने अपना बिल्डअप करा और कैसे हीरो बने। ये इनको अपनी इंस्पिरेशन मान के इन्होंने अपने जो शॉप है पिज्ज़ा विज्ज़ा में इनके स्लोगन्स लगाए, क्योंकि ये इनके आइडल है। तो इनका सपना है कि ये आगे चलकर किसी के आइडल बने और किसी की शॉप में इनकी शॉप का स्लोगन हो। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, इन स्लोगन्स के पीछे भी एक स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी स्टोरीज के पास। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर उन सब के पीछे की स्टोरी है जो बाहर स्लोगन्स लगे थे जिसके। तो पहला है द फास्ट फूड, उसके बाद आता है वाइट कैसल,
फिर मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, टेको बेल, केएफसी, पॉपाइज, सबवे, डकिन डोनट्स, सोनिक ड्राइव इन, डोमिनोज, एबीस, पिज्जा हट एंड चिक फिल ए। ये इन सब के पीछे की स्टोरी है कि कैसे पहले ये जीरो थे, उसके बाद कैसे हीरो बने, सबके आइडल्स बने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे एक वॉल पर इनके पास कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो इन्होंने अपनी वॉल पर लगाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इनके ओनर से ही बात करता हूँ कि इन सब के पीछे क्या स्टोरी है कि कैसे इन्होंने ये सारे सर्टिफिकेट्स जीते। तो चलिए आइए। तो सर, मुझे आप ये बताइए कि ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब आपने कैसे और किधर जीते? इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सर्टिफिकेट है जिसमें सर्विस अवार्ड लिखा हुआ है, ये मेरा एक्चुअल 10 ईयर्स का जो अवार्ड है, मतलब सर्विस अवार्ड जितना मैंने काम किया है। एक 10 होता है, 15 होता है और 20 होता है। मैंने 12.5 साल काम किया तो 10 ईयर्स का सर्विस अवार्ड है। उसके बाद रोलेक्स चैलेंज दो है। जो रोलेक्स चैलेंज ऐसा होता है डोमिनोज में कि एक जैसा सेल हमको हर वीक, मतलब 4 हफ्ते करना पड़ता है। ओके, सर्टिफिकेट उसके हैं। और नीचे आप देख सकते हो ये जो फोर्थ सर्टिफिकेट है, विनर ऑफ सीओ चैलेंज, ये है। सीओ ने जो चैलेंज दिया वो मैंने कंप्लीट करके वो करके दिखाया। ओके, और ये जो 4 लाख क्लब का है नीचे, वो एक दिन का सेल है जो दिसंबर 2011 में हम लोग ने किया था, एक ही दिन 31 दिसंबर। कितना हम लोग ने 4 लैक्स किया था? 4,51,000 रुपीज। 4 लैक्स वन डे में? बहुत ही ग्रेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि 4 लैक्स का उन्होंने सेल वन डे में करा था। बहुत ही ऑसम है ये तो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मेरे जस्ट पीछे वॉल पर इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं और उन्होंने बताया कि ये सब उन्होंने जीते हैं, तो आप खुद पहचान सकते हैं कि जिसके पास डोमिनोज जैसे एक ब्रांड का एक्सपीरियंस हो, वो भी 12.5 ईयर्स का, और अपने खुद के हाथ का जादू हो, तो उनके यहाँ पिज्जाज कितने डिलीशियस होंगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई और होती रहेंगी, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा और मैं तो बोलने जा रहा हूँ सर कि आपके जो फेमस चीज़ है यहाँ की, जो जिसमें आपने अपने हाथों का जादू डाला है, तो वो क्या चीज़ है जो आप मुझे टेस्ट करवाने वाले? मैं आपको एक वेज पिज्ज़ा है जो मेरा सबसे हाईएस्ट सेलिंग में आता है। ओके, पनीर पेपरिका। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा है और स्पाइसी भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, जैसे कि आपने सुना, ये मुझे अपना सबसे फेमस और हाईएस्ट सेलिंग पिज्ज़ा खिलाने वाले हैं, जिसका नाम है पनीर पेपरोनी का। तो जब तक ये मेरा पिज्ज़ा बनाने वाले हैं, तब तक आइए चलिए इनके मेन्यू कार्ड पर थोड़ी नज़र डालते हैं। चलिए, तो दोस्तों, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इनके हाथों के जादू से बनी हुई पिज्ज़ा देखने का। मुझे तो मन कर रहा है कि मैं इसकी मेकिंग भी देखूँ। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको भी इस पिज्ज़ा की मेकिंग दिखाता हूँ। चलिए, ये अभी क्या कर रहे हैं आप? ये फ्रेश डो है, ठीक है। इसको मैं डॉकिंग करके, स्ट्रेच करके, इसको मैं 9 इंच का पिज्जा बनाऊंगा। ओके, दिखाता हूँ कैसे। ओके, इसको बोलते हैं डॉकिंग। ये जो एक्चुअल डॉकिंग होती है पिज्जा, ठीक है, ये डो को मैं डॉक कर रहा हूँ। यस, और उसके बाद मैं स्ट्रेच करूंगा इसको 9 इंच के साइज से। ओके, जैसे आप ये देख रहे हो, ये स्ट्रेचिंग हो रही है। यस, आई कैन सी दिस। वाओ, ये पिज्जा की स्ट्रेचिंग है और ये एक्चुअल क्लासिक हैंड टॉस पिज्जा है। ओके, हाँ, वैसे भी मैंने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में देखा है, वो लोग पिज्ज़ा केवल उनके जो पास जो बेलन होता है, जिसको हम बेलन भी कहते हैं, उससे रोल करते हैं। लेकिन कुछ ही उनमें, जैसे डोमिनोज या फिर आपके हो गया वो पिज्ज़ा हट, ये सब लोग अपने हाथों से डो को वो करते हैं स्ट्रेच। तो दोस्तों, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इंसान अपने हाथों से एक डो को पूरा स्ट्रेच कर रहा है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अपने सामने ऐसा होते हुए। अब मैं इसके ऊपर सॉसिंग करूँगा, ये जो मेरा सीक्रेट सॉसिंग है। ओके, सीक्रेट रेसिपी है। इसको मैं सॉसिंग कर रहा हूँ। सॉसिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर चीज डालूंगा, चीज, जो चीज़ है वो उस पर स्प्रेड करूँगा। उसके बाद इसके ऊपर टॉपिंग आएगी जो पनीर पेपरिका में जाती है।
ओके मेरा सॉसिंग हो गया तो सॉस ही कितनी स्पाइसी लग रही है अभी ये चीजिंग है ओके तो ये पहला चीज है जिसको डाला जाता है ऊपर या लोग पता नहीं कैसे लेकिन इसको एक्चुअल जो चीजिंग होती है ये बॉटम चीजिंग होती है बॉटम चीजिंग होती है बॉटम चीजिंग करने से क्या होता है जब कस्टमर या जो भी बंदा खाता है पिज्जा तो पिज्जा का स्लाइस के ऊपर का जो टॉपिंग है वो स्लाइड नहीं होता ओके अभी मैं कैप्सिकम डाल रहा हूँ इसके ऊपर इसके अंदर तीन टॉपिंग जाता है एक तो कैप्सिकम है एक पनीर आएगा और उसके ऊपर रेड पेपर्स जाएंगे ओके तीन टाइप के टॉपिंग आएंगे इसके ऊपर या ये पनीर डाल रहा हूँ इसमें मसाला भी डाला हुआ है चाट मसाला इसमें चाट मसाला नहीं है इस पे कुछ अलग टाइप के मसाले हैं जो बता नहीं सकता मैं जब सीक्रेट रेसिपीज या ये पनीर है बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने कैप्सिकम चीज और सॉस और इनके पनीर को उस पर स्प्रेड किया है मुझे तो देख के ही बहुत खाने का मन कर रहा है ये रेड पेपर है okay. जो इसका एक थर्ड और लास्ट टॉपिंग जाएगा इसके ऊपर थर्ड और लास्ट हाँ और ये पिज्जा को बहुत ही हॉट बनाएगा हॉट बहुत हॉट बनाएगा मतलब खाने में इसका कुछ जायका कुछ अलग ही होगा स्पाइसी एंड चिली मतलब स्पाइसी बोल सकते हैं इसको खट्टा मीठा और स्पाइस ओके ये मैंने डाल दिया सब टॉपिंग अभी इसके ऊपर तो ये टू इन वन है तो हॉट भी कर देता है पिज्जा को और स्पाइसी भी कर देगा वाह इसके ऊपर और एक्स्ट्रा चीज डाल रहा हूँ मैं मोज़रेला चीज वन मोर टाइम ओके अभी ये बन के तैयार मतलब ये अभी रेडी हो गया है अभी ये जाएगा ओवन के अंदर ओके ओवन के अंदर बेक होने के लिए ओवन के अंदर बेक होने जाएगा जो ये 475 डिग्री फारेनहाइट में वाह तो ये वैसे कितना टाइम लेता है बेक होने में ये 5 to 6 minutes लगता है बस 5 to 6 minutes वाओ नाइस तो दोस्तों जब तक नवीन सर मेरा बहुत ही टेस्टी और अपने हाथों का जादू डालकर मेरे लिए पिज्ज़ा बना रहे हैं जिसका नाम है पनीर पेपरिका तब तक मैं आपको इनके पिज्ज़ा विज्ज़ा के बहुत ही डिलीशियस और डिफरेंट मेन्यू कार्ड से रूबरू करवाता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इधर पहला है मार्गरेटा केवल 70 rupees यहाँ पर कई सारी रीजनेबल रेट्स भी हैं लेकिन अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा और फिर है डबल चीज़ 90 rupees इधर नॉनवेज पिज्ज़ा भी है वेज पास्ता भी है और नॉनवेज पास्ताज भी है मॉकटेल्स क्रशर्स चीज़ बर्स एक्स्ट्रा चीज़ में भी है कई सारी चीज़ें तो दोस्तों मुझे तो बहुत मन कर रहा है कि इनकी सारी चीज़ें खाऊं लेकिन अभी तो खैर मेरा पिज्ज़ा बन रहा है पनीर पेपरिका जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने लास्ट में इधर ये भी लिखा हुआ है एक थॉट टाइप वी सर्व व्हाट यू डिज़र्व काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है तो जैसे कि दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ के रेट्स और काउंटर्स के रेट्स के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पिज्ज़ा विज्ज़ा का सबसे फेमस डिश मेरे सामने आ चुकी है और मुझे तो इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये इतना टेस्टी और सुंदर दिखने में ही है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो भी दी हुई है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इनको डालना है कि नहीं लेकिन दोस्तों मुझे तो स्पाइसी खाना बहुत पसंद है तो मैं तो ज़रूर डालूँगा यस तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इस पर डाल दिया है अभी मैं इसको खाने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा इसका टेस्ट की ये कैसा है तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ इतना
बहुत ही डिलीशियस जो दिख रहा है। अरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जस्ट मेरे बगल में लिखा हुआ है ईट, जिसका मतलब है खाए जाओ। वाह मैं भी किस जगह पर बैठा हूँ जिसके पास लिखा हुआ है खाए जाओ। तो चलिए अभी हम इसको खाते हैं। आइए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये, मतलब इसको खाते ही ऐसा लग रहा है कि आप जन्नत में पहुंच गए हो घर। बहुत अच्छा है ये, मतलब खाने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको, खासकर कि इसका पनीर का और कैप्सिकम का और चिली फ्लेक्स जो मैंने डाली, चीज़ वीज इन सब का और ही ज़्यादा टेस्ट दे रहा। मुझे तो इतना टेस्टी लगा है ना ये, मतलब ऑसम है ये। मैंने कई बार पिज्ज़ा खाया ऑन ऑर्डर करके या फिर कई सारे काउंटर्स पर खाया है, लेकिन मैंने ऐसा पिज्ज़ा अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। लेकिन मुझे ये मौका मिला है कि मैं पिज्ज़ा विज्जा के काउंटर पर आकर पिज्ज़ा खाऊं, उसको टेस्ट करूं, उनका फेमस पिज्ज़ा टेस्ट करूं। सच्ची में बहुत ऑसम पिज्ज़ा है। क्यों मुझे देखकर जलन मच रही है ना, तुम्हें भी खाना है ना यार, तो आओ अपने फ्रेंड्स नेबर्स और रिलेटिव्स को लेकर इधर आओ पिज्ज़ा विज्जा के काउंटर्स पर और यहाँ के सबसे फेमस पिज्ज़ास को टेस्ट करो, बहुत ही डिलीशियस और ऑसम है यहाँ के। तो दोस्तों अभी मैं दूसरी डिश का टेस्ट लेने जा रहा हूँ, वो भी चीज़ गार्लिक ब्रेड का। बहुत ही ज़्यादा यमी है ये ऑसम है। आपको भी मुझे देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा ना। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को और नेबर्स को लेकर आइए और पिज्ज़ा विज्जा के काउंटर पर आकर गार्लिक ब्रेड पिज्ज़ास और सैंडविचेस ज़रूर खाइए। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और डिलीशियस है ये गार्लिक ब्रेड तो, सच्ची में बहुत ही ऑसम है ये। क्यों आपके भी मुंह में पानी आ गया था मुझे देख खा के देख कर। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को और नेबर्स को लेकर आए पिज्ज़ा विज्जा के काउंटर्स पर, जो कि आपको सर्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्ज़ा, वो भी आपके सामने बनाकर। तो दोस्तों यहाँ पर आना कभी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्रंची डिलीशियस यमी और टेस्टी टेस्टी पिज्ज़ा विज्जा की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।